शैतान का शेर आ रहा है। सनी देओल स्टार और गदर 2 सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और लव सिन्हा भी हैं। फैंस फिल्म से जुड़े हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये फिल्म सनी देओल की 2001 की ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी है और अक्टूबर में इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। और अक्टूबर में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। इसका निर्देशन फिल्म निर्माता अनिल शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी पहली किश्त बनाई थी। लेकिन अब गदर 2 की शूटिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है। फिल्म का आखिरी स्केड्यूल अहमदनगर में शूट किया जा रहा है। लव सिन्हा ने ट्विटर पर सभी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, गदर 2 के आखिरी शेड्यूल के लिए अहमदनगर में। उनके इस ट्वीट पर फैंस जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या बता सकते हैं कि फिल्म कब रिलीज होगी? एक और यूजर ने पूछा, शूटिंग कब खत्म होगी? जहां सनी देओल और अमीषा पटेल के लुक का खुलासा कर दिया गया, वहीं फिल्म से उत्कर्ष शर्मा और लव सिन्हा का लुक जारी नहीं किया गया। गदर बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर थी और फिल्म का संगीत सभी को पसंद आया था। फिल्म देखने वाले गदर 2 का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरे। बता दें कि सनी देओल की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अब सबकी निगाहें गदर 2 पर हैं। निर्माताओं ने भी अभी तक आधिकारिक तौर पर फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन कथित तौर पर ये अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हो सकती। इस फिल्म के लंबे अंतराल के बाद अमीषा पटेल की बॉलीवुड में वापसी भी होगी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर जहां 1947 में भारत के बंटवारे के दर्द को बयां करती है, वहीं इसका सीक्वल भारत पाकिस्तान एंगल से आगे बढ़ेगा। एक करीबी सूत्र ने 2019 में एक इंटरव्यू की पीटीआई को बताया था, हम 15 साल से गदर सीक्वल पर काम कर रहे हैं। गदर तारा सकीना और जीत की कहानी दिखाएगी, कहानी भारत पाकिस्तान के एंगल से आगे बढ़ेगी, इसके बिना गदर अधूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी गदर 2 देखने के लिए एक्साइटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।